आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड रहा है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, क्या रिलेशन है दोनों सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में? सर, पॉलिटिकल साइंस जो डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ये आगे चलकर हिस्ट्री में क्रिएट करते हैं। जैसे सर अभी नारी बंधन अधिनियम जो लाया गया, वो आगे चलकर सर हिस्ट्री बनेगी क्योंकि वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। ठीक, और ये तो एक साइड हुआ कि जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो आगे चल के हिस्ट्री बनेगी, तो क्या हिस्ट्री और क्या रिलेशन है? जो स्टेप हिस्ट्री बनेगी सर, इस नारी बंधन अधिनियम को ही अगर ये अपार्ने हिस्ट्री बनेगी तो इससे वीमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो वीमेन लेड और वीमेन पार्टिसिपेटेड पॉलिटिकल पॉलिसीज बनेंगे सर। हाँ, वन साइड का रिलेशन आपने बता दिया, लेकिन उसका कोई दूसरा पहलू भी है सर। सर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो जैसे कि मौर्य काल का एडमिनिस्ट्रेशन सर, पोर्टल का फॉरेन रिलेशनशिप सर, तो वो आज पॉलिटिकल सिनेरियो में यूज होता है सर। पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने में क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? सर, पॉलिटिकल साइंस होने के कारण क्या होता है सर कि एक डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए जाते हैं नेशन टू नेशन, उसमें काम आते हैं सर। लेकिन आप तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं ना सर, उसमें पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में सर काम आएंगे। कैसे सर? जो पॉलिसी लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए हैं उसको एग्जीक्यूट करने में लास्ट माइल अप्रोच लिया जाएगा सर, उसमें जो पॉलिटिकली मार्जिनलाइज है, सोशल मार्जिनलाइज है, उसको वहाँ तक उस स्कीम को पहुँचाया जाए, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट की स्कीम। राइट टू एजुकेशन के बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? यस सर, राइट टू एजुकेशन सर राइट नो फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21A में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 को करके कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया सर। इसे सर 2001 में आया था आरटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 सर, आरटी 2002 में आया था श्योर ने आरटी एक्ट सर बाद में आया था, लेकिन सर अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट एक्ट सर आर्टिकल 21 कब से लागू हुआ ये आरटी एक्ट? 2009 आरटीआई में सर, आरटी और उस एक्ट के पहले एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे था? सर, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन जो है डीपीएसपी में सर था। तो क्या डिफरेंस हो गया पहले के स्टेटस में और बाद के स्टेटस में? सर, अब ये फंडामेंटल राइट होने के कारण ये इन्फोर्सिबल है सर। पहले डीपीएसपी के कारण क्या होता था कि इन्फोर्स नहीं किया जाता था, अगर किसी स्टूडेंट जो सिक्स ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स के बीच में है, तो अगर उसे एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकती थी सर। अब अगर कोई भी स्टूडेंट बाहर है अपने एजुकेशन से, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको इन्फोर्स करा सकते हैं, इन्फोर्समेंट। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? आर्टिकल सर 32 सर। क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है सर, इसमें डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू सुप्रीम कोर्ट है सर, इट्स अ फंडामेंटल राइट है सर। अगर इन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के सिचुएशन में जो गरीब पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सर जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट इन्फोर्समेंट के लिए। एमरजेंसी लगने के क्या रीजंस थे? इमीडिएट रीजन क्या था? इन ऑल थ्री सर। इमीडिएट रीजन क्या था जो अभी तक इंडिया में कितनी बार इमरजेंसी लगा है? 3 times। 3 बार इमरजेंसी लगा है? यस सर, नेशनल इमरजेंसी। कब का? सर 1962 में, 1975 के इमरजेंसी में कौन से मेजर उसके कारण कौन से थे? सर, उस समय सर इंटरनल डिस्टरबेंस को ग्राउंड मानकर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। क्या था इंटरनल डिस्टरबेंस उस समय? सर, उस समय गवर्नमेंट के विरोध में
जयप्रकाश नारायण जी ने रिवोल्ट मोड चलाया था। और भी कोई रीजन था? यस सर, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में इलाहाबाद बोर्ड ने एक जजमेंट दी थी। इसे कारण उसके बाद इमरजेंसी रूल्स में कुछ चेंज किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। यस, कहाँ पे चेंज किया गया? सर 44th अमेंडमेंट एक्ट से। सर एक तो पहले जो इमरजेंसी लगाई थी 1975 में वो सिर्फ प्रेसिडेंट क्या चेंज किया गया प्रोविजंस में? सर एक कैबिनेट वर्ड डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। सर आर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड को हटाकर सर आर्म रिवेलियन ग्राउंड डाला गया था। और सर इमरजेंसी को जो पास कराने की ड्यूरेशन थी सर वो 2 months घटाकर 1 month कर दी गई। आपने प्रशासनिक सेवा का प्रेफरेंस दिया है। यस फर्स्ट में आपकी पोस्टिंग एसडीएम के रूप में किसी सब डिवीजन में होगी। यस आप अपने क्षेत्र के भ्रमण में जब ब्लॉक में गए थे आपको पता चला कि फलाने गांव में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। यस आप वहां पर चले गए, वहां पर आप कौन कौन से स्टाफ को पाइएगा? सर उसमें लैंड ऑफिसर्स जो है लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वहाँ पे। सर सर वहाँ के मुखिया होंगे। सर अपना अफसर, अपना अफसर जो आपके अंदर में वो रहेगा वो कौन कौन वहाँ पर रहेगा? आप सर्वेक्षण भू सर्वेक्षण का जो कर, आप बताइए कि बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट में भू सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है? आपके पिताजी का प्रोफेशन क्या है? टीचर है। आपको जमीन है घर में, खेती बाड़ी जमीन कितनी है सर एग्जैक्ट मैं नहीं पता है। फिर भी खेती बाड़ी होती है। यस आपको तो जानकारी होनी चाहिए भू सर्वेक्षण क्या है, उसमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन सरकार को फिट करना रहता है एक एज ए फार्म है। सर मैंने एग्जैक्टली डाटा देखा नहीं सर कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन उसमें दिए जा रहे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि उसमें कितने जमीन है और कितना उसका सेग्रीगेशन कैसा है और प्रोडक्टिविटी क्या है। इसी क्रम में जब आप वहाँ पर पूछताछ कर रहे थे तो किसी ने आपको बताया कि अमीन समझते हैं? यस अमीन जो है हमको पैसा मांग रहा है, कह रहा है कि जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम आपका इंफॉर्मेशन सही नहीं बताएंगे। यस सही नहीं करें। तो आप उस सिचुएशन में क्या काम कीजिए? सर उस सिचुएशन में मेरा यह है कि तब तो वो लीगल नहीं है कि वो पैसा मांगे करप्शन कर रहा है। दूसरे सर तो वो उससे बात करके उसको चाहिए कि उसका जो इन्फॉर्मेशन जो मांगा जा रहा है उनको दिया जाए और जो एग्रीव्ड पर्सन है उससे बात की जाएगी उनको क्या ग्रीवेंसेस है। और अगर जो एलिगेशन है वो अगर इंटेंसिटी का है तो उस पर सर कार्रवाई की। इंस्ट्रक्शन क्या दीजिए सर? जो अपने सबॉर्डिनेट को सर बोलेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन जो मांगा गया है जो काम हो रहे हैं उनको दिया जाए बिना पैसे के, किसी भी की तरह का कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। जो भोगी है उससे कुछ लिखित वगैरह में नहीं दीजिएगा एक्शन लेने के लिए? यस सर अगर एलिगेशन बनाए गए हैं सर उसका भी ग्राउंड है प्रॉपर सर उससे रिटर्न लेके उसका FIR किया जा सकता है। सीधा FIR तो तब कीजिएगा ना अगर कुछ आपको साक्ष्य मिल जाएगा। यस अभी उसका जैसे कोई एप्लीकेशन दे दिया तो उस पर इमीडिएट जांच कौन करेगा? सर इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी सर उस पर। आप जांच कीजिएगा कि कोई आपका नीचे का अफसर कोई करेगा? मेरे डाइट में सर मैं नहीं करूँगा सर। अच्छा पूरा जांच आप ही करने लगेगा सर ये आप SDM हैं तो आपके अंदर में बहुत से लोग तो आपका स्टेप क्या एकदम कंफ्यूजन वाला स्टेज हो जाएगा कि नीचे से कुछ आएगा जाँच उछल कर तब आप एक्शन लीजिए? बॉटम अप्रोच होना चाहिए सर पहले नीचे से। पॉलिटिकल साइंस आपका PG में है। यस लॉन्ग मार्च से क्या समझते हैं? लॉन्ग मार्च सॉरी सर इसमें मुस्तफा कमाल का
नाम सुने हैं? यस कमाल पासा के मुस्तफा कमाल, क्या सुने आप? मुस्तफा कमाल पासा कहाँ के थे? सर वो टर्की के से। उनका क्या योगदान है वहाँ पे? सर उनका योगदान जब वर्ल्ड वार के समय हेलीफेट के पोस्ट को जब अलायंस एक्सिस ने वर्ल्ड वार कब हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वार की फर्स्ट वर्ल्ड वार? फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसी समय सर खिलाफत आंदोलन भी हुए थे उसके विरोध में। तो उसके अभी एशियाड जो चल रहा है yes. इसमें गोल्ड मेडल कितना इंडिया ने जीता कल तक? सर 22 yes. उस खिलाड़ी का नाम बताइए कोमिंस का जिसने गोल्ड मेडल जीता। आप हमें ये बताइए अभी हाल फिलहाल चर्चा में लगा इंडिया और भारत yes. क्या इंडिया को भारत कर देना चाहिए या भारत को इंडिया ही रहना रहने देना चाहिए? सर इंडिया और भारत सर दोनों हैं। अभी आर्टिकल 1 में बोला जाता है दैट इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया और भारत दोनों इंडिया का नाम अभी ही है सर। उसमें ऐसा कुछ कि इंडिया को भारत किया जा रहा है या भारत इंडिया किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। वो यू नाम का दोनों का यूज, पहले इंडिया यूज करते थे, अभी फिलहाल ये गवर्नमेंट भारत यूज कर रही है। जनगणना और जातीय गणना दोनों में क्या अंतर है? सर जनगणना में सर एग्जैक्ट सिर्फ नंबर का पॉपुलेशन का काउंट होता था सर, या कास्ट सेंसस में सर कास्ट को भी जो काउंट किया जा रहा है सर। ये क्या था, जातीय गणना था या जातीय जनगणना था बिहार में जो हुआ? जातीय गणना था सर, अभी तो आपने सेंसस बोल दिया। गांधी जी और अंबेडकर दोनों के विचारों में क्या समानता थी और क्या असमानता, दो दो पॉइंट बताइए। सर समानता थी कि दोनों जो अंत्योदय के विचार को मानते थे, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है वुमेन का अपलिफ्टमेंट है दोनों विश्वास रखते थे। और डिफेंड ये था सर कि गांधी जी चाहते थे कि एक बॉटम अप बॉटम से उनका उत्थान हो विलेज से सोसाइटी से, और अंबेडकर जी का पॉइंट था कि पॉलिटिकल उनको स्टेटस मिले रिजर्वेशन मिले पॉलिटिक्स में, तो वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके वो उनका अपॉइंटमेंट हो। गांधी चाहते थे कि कंस्ट्रक्टिव वे में चाहते थे कि उनका उत्थान। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कोई पैक्ट हुआ था? यस कब हुआ था कहाँ? सर पुनः पैक्ट हुआ था सर पुणे जल में, क्योंकि उस समय मैकडोनाल्ड अवार्ड हुआ था सर 1931 पुणे पैक्ट 1931 में हुआ 1930 से एग्जैक्ट। सॉरी सर श्योर है? संविधान क्या है? संविधान सर रिटन रिटन लॉ है जो एक नेशन को गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन को एग्जीक्यूटिव को दोनों को एक कोऑर्डिनेटेड वे में सुपरवाइज या फिर उसको कुछ राइट्स और ड्यूटीज देती है वो अपने एजेंसन को। संविधान बाद क्या है? संविधान बाद संविधान और संविधान बाद इंग्लिश टर्म्स से इसका हाँ नहीं सर संविधान बाद का इंग्लिश टर्म जानना चाहेंगे उसमें तो सही लिखा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सर। सर कॉन्स्टिट्यूशन में सर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो एक रेस्ट्रिक्शन डालती है कि वो आप उससे आप वायलेट नहीं कर सकते, जैसे कि लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन में कुछ दायरे बनाए गए हैं कि हाँ इतने में आपको वो काम करना है। आप सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं? यस। सीतामढ़ी में कोई मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? यस। किन किन मूर्ति का निर्माण? माता सीता की मूर्ति बनाई। विराट नारायण मंदिर का निर्माण? यस सर विराट नारायण मंदिर का निर्माण सर ईस्ट चंपारण में किया जा रहा है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। सर रामायण से संबंधित कुछ वैशाली जिले में भी कुछ बनाया जा रहा है? सर रामायण यूनिवर्सिटी बना रहे हैं सर। रामायण यूनिवर्सिटी। जनगणना और जातीय गणना के बारे में पूछा, बिहार की एक ऐसी जनजाति जो अपनी गणना स्वयं 5 साल में करती है, कौन सी जनजाति है और कहाँ पाई जाती है? वो स्वयं Thank you.
ठीक है, आपने इम्प्रूव किया है, बट और अभी आपको काम करना है, है ना? आप जो आपका पॉलिटिकल साइंस में, चूँकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अच्छा आंसर देंगे। आपने दिया भी है, बट वो इमरजेंसी वाला जो क्वेश्चन था ना, उसको देख लेंगे, ठीक है? हाँ, उसको और भी अच्छी तरह से आप देख लेंगे, बिकॉज 75 में जो इमरजेंसी लगा था वो एक अलग केस था, और उसके पहले का जो आप बता रहे हैं वो वॉर का केस था, है ना? तो इमरजेंसी वो वॉर का एक पूरा का पूरा केस ही अलग हो जाता है ना? बट 75 में जो हुआ था वो एक्चुअल इमरजेंसी था, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, है ना? तो उसके बारे में आप पढ़ लेंगे, जो भी ईयर्स आपने बोले हैं, 2-3 ईयर्स बोले हैं ना, क्या डिफरेंस है और उसके लिए क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं, वो थोड़ा आप देख लेंगे, ये आपने पढ़ा होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया है, अच्छा आंसर दिया है आपने, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। सिचुएशन वाला जो सर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा वहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, कहाँ से प्रोसीड करें, इसे उसने कह दिया आपको, तो आप उसका पूरा इंक्वायरी करने लगे वहीं पर। उससे पहले तो लिख के मंगवाना था ना, लिख के दीजिए भाई, जो आप कह रहे हैं सब लिख के दीजिए, तब ना आप प्रोसीड कीजिएगा। डिपार्टमेंटली कैसे प्रोसीड किया जाता है, किसी से सुना हुआ, किसी से कहा हुआ बात तो कोर्ट में नहीं ठहरेगा, किसी ने कह दिया था कोर्ट में नहीं चलेगा। वहाँ जो प्रॉपर इंक्वायरी का मेथड है, पहले वो देगा, फिर सी इंक्वायरी करेगा, तब आपके पास हो, तब फिर उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट वहाँ पर इंक्वायरी नहीं करना है। इसी को ध्यान रखना है कि जैसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिले, आपको उसको थोड़ा सोच कर करके पॉइंट, मतलब प्रायोरिटी को बेसिस पर उसको 1-2-3 कर करके कर लेना है, और तब बताना है, वो भी शॉर्ट में बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आप उसके जानकार नहीं हैं। आपको अपना दिमाग लगा करके आंसर देना है वहीं, तो इस पर ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स को और भी अच्छे तरह से आप पढ़ते रहिए, है ना? ठीक है, आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अभी से लेकर जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जा रहा है, मतलब उस डेट तक आप पेपर वर्कआउट अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन एज किया था वो पेपर से ही था। उसके बाद आपके अपने शहर के बारे में नॉलेज है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, वो होना भी चाहिए। उसके बाद आपके हॉबीज़ जो है, प्लेइंग क्रिकेट, हमने क्वेश्चन एज नहीं कर पाए, लेकिन इस पर आप पूरा वर्क करके जाएंगे। अच्छा, क्या जो भी क्वेश्चन, चलिए करंट से, खास करके एशियाड हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, इस पर एकदम नॉलेज रख करके जाइएगा, आएगा ही कुछ ना कुछ। मैंने चेंजेस नहीं कर दिया सर, तो लेकिन देखिए हम ये कह रहे हैं कि आपने प्लेइंग कबड्डी भी दिया है ना, लेकिन अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, कि हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पूछ लेंगे कि क्या आप क्रिकेट देखते हैं, स्वाभाविक है देखना, तो कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का जो भी है वर्ल्ड कप से संबंधित आप इसको कर लीजिएगा। एक आप मैगजीन, अभी आपके पास टाइम है तो, जो नेक्स्ट पीछे मंथ का है, तो उससे कुछ करेंट हॉट टॉपिक्स जो देख लीजिएगा, जिस पर कि आप उस पर कमांड थोड़ा रखेंगे, अच्छा जाएगा आपका इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।